दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है बहुत ही खास और आज मैं आपको एक पौधे से परिचय कराने जा रही हूँ जो कि कभी कभी हमारे गमलों में निकल आता है तो हम उसे घास फूस समझकर तोड़कर फेंक देते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ पौधों की मेडिसिन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, हम उन्हें पहचान नहीं पाते, लेकिन जब वो थोड़े से बड़े होते हैं पहचानने पर बड़ी ही खुशी होती है। तो आज मैं बात कर रही हूँ आपसे भृंगराज पौधे के बारे में। तो दोस्तों, इसकी पहचान क्या होती है और एक कहाँ पे पाया जाता है, किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है मेडिसिन में, तो सारी जानकारी के साथ मैं आपके साथ हूँ। तो आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा। आयुर्वेदिक में इसको जड़ी बूटी कहा गया है और ये कई रोगों में काम आता है, जैसे कि पेट से संबंधित, स्किन से, और हमारे शरीर में कहीं पर सूजन आती है तो इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो हमारे हेयर फॉल, बालों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें किया जाता है। बालों से संबंधित इसका प्रयोग जो होता है, जैसे आपके बाल काफ़ी वाइट हो गए हैं और हेयर फॉल हो रहा है, सर में गंजापन आ रहा है या आपकी बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इसका रस निकालकर भी प्रयोग में लाया जाता है और इसका ऑयल भी बनाकर लगाया जाता है। तो ये तो आपके बालों के लिए बहुत ही एक वरदान है कि आपको ये अगर मिल जाए तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये ओरिजिनल बिल्कुल भृंगराज है। तो इसकी पहचान किस तरह से करें, तो जब भी आप इनकी पत्तियों को छुएंगे तो आपको रफली खुरदरी खुरदरी सी महसूस होंगी और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो काफ़ी डार्क ग्रीन कलर की होती हैं और इसमें छोटे छोटे वाइट कलर के फूल भी आते हैं और आप देख सकते हैं जैसे कि ये इसमें फूल आते हैं और इसमें बीज भी, फूल सूखने के बाद बीज बनना शुरू हो जाता है। तो ये बीज गमलों में ही गिरते रहते हैं। इसकी जो असली पहचान जो आपको कोई नहीं बताएगा, मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे ही आप इसकी 4-5 पत्तियाँ तोड़ेंगे, पत्तियाँ जैसे आपने पत्तियाँ तोड़ी और इनको आप मिसलेंगे हाथ से, मिसलने के बाद इनमें रस निकलने लगता है दोस्तों और रस का कलर चेंज होने लगता है धीरे धीरे। कलर क्यों चेंज होता है, जैसे ही इसका रस हवा के संपर्क में आता है ये ब्लैक होने लगता है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको प्रयोग करके भी दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। और अगर ये 5 मिनट भी आपके हाथ में लगा रहा सूखने के बाद, तो आप जब इसको धोएंगे, वॉश करेंगे हाथ, तो ये जल्दी हाथ से निकलता नहीं है। ये असली गमरे की पहचान है। तो इससे आपके बालों में अगर ब्लैक करना हो तो इसको प्रयोग ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये हो गई इसकी पहचान। तो दोस्तों, भृंगराज का प्लांट आपको पूरे भारत में और कई और जगह भी इसको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये होते कहाँ पे हैं, जहाँ पे नमी होती है वहाँ पे इनके पौधे आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तालाब के किनारे और पार्कों में नालियाँ होती हैं, नाले होते हैं, उनके किनारे जो मिट्टी जमा होती है वहाँ पर भी इनके प्लांट होते हैं। ये प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं बरसात के समय और ये प्लांट जल्दी मरते नहीं हैं, पूरे साल आपको ये पौधे देखने को मिल जाएंगे। इनके बीज बनते हैं और बीज बनकर गिरते रहते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इनका फूलों को वाइट कलर के छोटे छोटे फूल होते हैं और उसी में बीज भी तैयार होता है। दोस्तों, मेरे यहाँ किस तरह से आए, मेरे यहाँ नर्सरी से पौधे आए होंगे तो उसमें होगा, और नहीं तो चिड़ियों द्वारा बीज आया होगा, हवा द्वारा बीज आए होंगे। तो मेरे यहाँ कई सालों से छोटे छोटे पौधे निकलते थे लेकिन मैं पहचान नहीं पाती थी, मैं उनको खाड़ कर फेंक देती थी, लेकिन इस बार जब मेरे यहाँ पौधे निकले, उसमें फूल आया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि भृंगराज का पौधा है और इस तरह से निकलते होंगे और गिर जाते होंगे बीज, तो ये निकल आते हैं। तो आप इनको एक बार अगर लगा लें, नर्सरी से भी बीज ला के आप इनको लगा सकते हैं। जैसे इस पौधे को आप ज़मीन में लगाते हैं तो ये काफ़ी फैलता है, जिस तरह से घास फैलती है उसी तरह से ये पौधा भी फैलता चला जाता है और ज़मीन में काफ़ी स्वस्थ होता है ये पौधा। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से एक ही पौधा लगा हुआ है दोस्तों, इसमें भी तीनों गमलों में एक ही एक पौधे हैं और वो किस तरह से फैल रहे हैं मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये इनकी जड़ें जो होती हैं वो काफ़ी छोटी होती हैं, गहराई तक नहीं जाती हैं, तो ये इनकी जो ब्रांच होती हैं उनके द्वारा जड़ें निकलती हैं और मिट्टी को पकड़ते हुए ये फैलती चली जाती हैं। तो इस तरह से भृंगराज का प्लांट फैलता है और ग्रो करता है और आप इसके फूल देख सकते हैं, छोटे छोटे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही छोटे वाइट कलर के फूल होते हैं
तो दोस्तों इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि ये भृंगराज ही है और इसका आप प्रयोग कर सकते हैं अपने मेडिसिन के तौर पर। तो इसकी जैसे ये फूल है, फूल के बाद ये सूखने के बाद इस तरह का हो जाता है दोस्तों। और जैसे अभी ये कच्चे हैं बीज, पूरी तरह से पके नहीं, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए इनको तोड़कर खोल के दिखा रही हूँ कि किस तरह का बीज होता है इसमें। ये देखिए छोटे छोटे बीज होते हैं, अभी बहुत छोटे, अभी थोड़े और बढ़ेंगे ही और डार्क ब्राउन कलर का बीज हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, बहुत छोटे छोटे बीज हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।